हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने इसके पहले पार्ट वन कंप्लीट कर चुका है, आज हम पार्ट टू शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पार्ट टू में जो हमारा शुरुआत है वो है हमारे 15वें क्वेश्चन से करना है। इंदिरा गांधी जो मानव संग्रहालय है वो किस शहर में? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है दोस्तों हमारे भोपाल शहर में। इससे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि एक पहली बात तो ये है कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, तो स्थापना की गई थी 1977 में। फिर 1985 है, 1985 में इसको राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय घोषित कर दिया गया था, यानी कि एक नेशनल म्यूजियम है। और 1993 1993 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस रिगार्डिंग जो सन्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब 16वां प्रश्न जो बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे पवित्र शहर घोषित किया गया, तो देखिए जो महेश्वर जो है दोस्तों उसको 2014 में ही एक पवित्र शहर घोषित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो महेश्वर है वो खरगोन जिले में आता है। चित्रकूट को भी पवित्र शहर घोषित किया गया है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको देख के आंसर देना है। CRPF 17वां क्वेश्चन जो है कि CRPF की स्थापना जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुई है, तो दोस्तों इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, नीमच है। लेकिन ऐसा कैसे नीमच में ही क्यों हुई, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, हमारा जो 1857 की जो क्रांति है वो मध्य प्रदेश में नीमच की छावनी से ही शुरू हुई थी। आपको डेट भी पता होगी, 3 जून को। लेकिन होता क्या है कि इसके पहले यहाँ पर जो सैन्य टुकड़ी हुआ करती थी उसको उसको GRP कहा जाता था। क्या कहा जाता था? GRP, यानी कि ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में इसी का नाम बदलकर दोस्तों उसको CRPF कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो नीमच है या नीमच छावनी जो थी वो CRPF की जन्म स्थली कहलाती है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा नीमच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा इसकी डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 18 में मध्य प्रदेश में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भील जनजाति जो है वो सर्वाधिक है। और अगर एक जनजाति समूह के तौर पर बात की जाए, जनजाति समूह के तौर पर, तो दोस्तों फिर गोंड जो है वो हमारा आंसर होता है। तो जब भी ऑप्शन आए तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद 19वां प्रश्न बोलता है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है। देखिए, जो सहस्त्रधारा जो है वो नर्मदा नदी पर ही है। और ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये महेश्वर में पड़ता है, जो कि एक यहाँ के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, सहस्त्रबाहु। कई बुकों में इसको सहस्त्र अर्जुन भी बोलते हैं। तो उनके नाम पर इसका जो नामकरण किया गया है दोस्तों वो सहस्त्र धारा कर दिया गया है। और जो कि कहाँ पड़ता है मैंने आपको बताया, महेश्वर में पड़ता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे पहला आकाशवाणी का केंद्र किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था हमारे इंदौर में। फिर 21वां प्रश्न बोलता है कि मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को नहीं छूती है? तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर हम बड़े आसानी से हटा सकते हैं, उड़ीसा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सीमा है दोस्तों वो 5 राज्यों से को टच करती है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों यूपी के साथ। यूपी के साथ जो है वो 13 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। हालांकि अगर आज की डेट में निवाड़ी जो जिला आप जानते हैं टीकमगढ़ से अलग हुआ है, तो उसको काउंट कर ले तो इस हिसाब से वो जिलों की संख्या बढ़कर क्या हो जाएगी दोस्तों? 14 हो जाएगी। तो 14 जिले जो हैं वो यूपी के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। लेकिन मैंने ओल्ड बुक के हिसाब से या ओल्ड डेटा के हिसाब से मैंने आपको ये जानकारी दे दी है, 13 और नहीं तो 14। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो राजस्थान से जो संख्या लगती है वो लगती है 10, और महाराष्ट्र से लगती है दोस्तों ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे 9, और उड़ीसा से कोई भी जिला नहीं लगता है। फिर उसके बाद हम बात करें 22वें प्रश्न की, मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो कालिदास सम्मान है वो हमको मिलता है दोस्तों किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और ये जो सम्मान है दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। और ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है हमारा उज्जैन में, कालिदास अकादमी जो है वो उज्जैन में ही है। और ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कला का मतलब ये है कि इसमें जो नृत्य से संबंधित, चित्रकला से संबंधित और जो कुछ अच्छी रचनाएं हैं उनसे संबंधित सभी को ये पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि साहित्य में केवल एक क्षेत्र हो जाता है, इसमें कला में इससे ज़्यादा क्षेत्र आ जाते हैं। तो और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि देखिए, सर्वप्रथम ये सम्मान जो मिला था वो किसको मिला था? सुमंगड़ी अय्यर को प्रदान किया गया था, ठीक है। और ये सम्मान कौन देता है? तो हम जानते हैं संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। फिर जो 13वां जो प्रश्न है
घोटुल प्रथा आदिवासियों की मुख्य प्रथा है, ये किस जनजाति की मुख्य किस जनजाति में पाई जाती है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसको समझिए, जो घोटुल प्रथा है ये पाई जाती है आपकी मुड़िया में और गोंड जनजाति में। कौन सी? मुड़िया और गोंड जनजाति जो है उसमें ये प्रथा जो है वो पाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे गोंड नहीं है तो इसका आंसर आप लगाएंगे इसको सीधे मुड़िया को ही लगाएंगे, लेकिन ये गोंड में भी पाई जाती है और मुड़िया, सिर्फ दो ही जनजाति जिसमें मुख्य रूप से ये जो प्रथा है घोटुल प्रथा पाई जाती है। फिर बात आती है कि घोटुल प्रथा है क्या। देखिए, जो घोटुल प्रथा है उसमें होता यह है कि जो लड़का या लड़की है उसको शादी करने से पहले एक एक घर होता है जिसको युवा गृह बोलते हैं, वहाँ पर रख दिया जाता है। रख दिया जाने का मतलब वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ पर कुछ दिनों तक अपने साथ में रहते हैं, इवन उनको एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की भी परमिशन रहती है। और वहाँ पर उस घर के अंदर बहुत सारे सजावटी सामान रहते हैं, इवन संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं। और जब इन लोगों को छोड़ा जाता है वहाँ पर लड़का और लड़कियों को, तो काफ़ी धूम धूमधाम से, मतलब ढोल बाजे बजाते हुए उनको ले जाया जाता है और फिर वहाँ छोड़ दिया जाता है उस युवा गृह में। और ये युवा गृह जो होता है चारों तरफ से लकड़ी की बल्लियों के थ्रू इसको क्या है बंद कर दिया जाता है। और ये लोग कुछ दिनों तक वहाँ रहते हैं और आफ्टर दैट फिर ये डिसाइड करती है लड़की क्या उसे उससे शादी करनी है या नहीं। अगर उसको पसंद होता है तो शादी कर दी जाती है लड़का, और लड़का अगर पसंद नहीं है तो शादी नहीं होती। तो ये एक टाइप का आप देखा जाए तो जो आज मॉडर्न लाइफ में जो लिविंग रिलेशन है जिसमें लिव इन में रहते हैं उसका ये एक रूप था पहले। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों घोटुल प्रथा क्या है, तो जो कि गोंड और मुड़िया जनजाति में मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर 24वां जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो केले होते हैं, अगर मैं इस चीज़ डायरेक्ट के ऑप्शन के हिसाब से बात करूँ तो वो है हमारा बुरहानपुर। और अगर आपको पता होगा कि भारत में बात करें तो जो हमारा भुसावल जो पड़ता है, जो अब महाराष्ट्र में पहुंच गया है, खंडवा के पास ही है, तो भुसावल जो है वो केले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पास में वैसे भी बुरहानपुर पड़ता है, इसलिए यहाँ केले ज़्यादा होते हैं। और आप जानते हैं बुरहानपुर जो है ताप्ती ताप्ती नदी जो है बुरहानपुर से होकर गुजरती है। नेपा नगर जो कागज़ का कारखाना है वो यहीं पर है। चांदनी ताप विद्युत गृह जो कि मध्य प्रदेश का पहला विद्युत गृह है वो भी बुरहानपुर पे ही है। पचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पचमढ़ी जो है आप जानते हैं दोस्तों सतपुड़ा में स्थित है, इसलिए इसको सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। और अब जैसे बा क्वेश्चन बोल रहा है विंध्याचल का राजा, वैसे विंध्याचल का राजा कोई शब्द नहीं है, एक है विंध्याचल की रानी। तो विंध्याचल की रानी किसको कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों रीवा को। तो जो हमारा रीवा है उसे विंध्याचल की रानी कहा जाता है। और पचमढ़ी किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो वो है होशंगाबाद में, इसको जरा ध्यान रखिएगा। 26वां प्रश्न हमारा ये जो है वो ये बोलता है कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस जिले में है? देखिए, जो चचाई जलप्रपात है दोस्तों वो है बीहड़ नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर? बीहड़। और बीहड़ नदी जो बहती है वो बहती है रीवा में। तो इस प्रकार से ये हो गया, रीवा में स्थित है और इसकी ऊंचाई विशेष तौर पर ध्यान रखिए 130 मीटर है। फिर 27वां प्रश्न, दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट तथा संत सिगाजी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? देखिए, जो सिगाजी का जो संबंध है वो है हमारे निमाड़ अंचल से, और निमाड़ में आप देखेंगे विशेष तौर पर हम जो बात करते हैं तो वो आता है खंडवा। ठीक है, तो खंडवा में ये दोनों जो है वो खंडवा में ही है। आप जानते हैं कि जो खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं और खरगोन को पश्चिमी निमाड़, लेकिन ये दोनों जो मैंने आपको बताया विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा वो खंडवा में है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ बावन गजा या चूलगिरी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बड़वानी जिले में स्थित है। यहाँ पर जो है वो आदिनाथ जो है, किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की 52 फिट ऊंची एक प्रतिमा है, तो जिस वजह से इसका नाम बावन गजा पड़ा है। और जो कि कहाँ पर दोस्तों? चूलगिरी यानी कि बड़वानी में है। ये भी पूछा गया है कि चूलगिरी जो जैन तीर्थ है वो कहाँ पर है? तो वो बड़वानी में है। देखिए, जहाँ पे गिरी लगा होता है ना जिसके लास्ट में, वो जनरली जैन जैन धर्म से संबंधित है, जैसे मुक्तागिरी जो कि हमारे बैतूल में है उस प्रकार से। फिर हम बात करते हैं 29वां का, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर किस स्थान में को बनाया गया था? देखिए, शिवपुरी जो है उसको मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगरी घोषित किया गया था। और शिवपुरी आप जानते हैं ऊपर साइड में है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 30वें नंबर की, प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? देखिए, अनुसूचित जनजाति, तो पहले ध्यान से देखिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एसटी की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो एसटी है दोस्तों जनसंख्या के तौर पर वो धार जिले में सबसे ज़्यादा है, धार में एसटी सबसे ज़्यादा है। और इंदौर में बात करूंगा दोस्तों तो वो एससी सबसे ज़्यादा है। लेकिन
यहाँ पे ध्यान रखिए संख्या पूछ रहा है, अगर प्रतिशत की बात करता तो फिर सीधे आप लगा देते हमारा ये जो आज की डेट में अलीराजपुर हो जाता। वैसे तो अलीराजपुर प्रतिशत के तौर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसटी जनसंख्या पाई जाती है। निमाड़ उत्सव का आयोजन किस शहर में होता है? देखिए निमाड़ जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि खंडवा और खरगोन दोनों ही पूर्वी पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। तो पहले तो इसे समझिए कि मंडला नहीं हो सकता और धार नहीं हो सकता, अब बसता महेश्वर और खरगोन। तो जनरली जो निमाड़ महोत्सव बनाया जाता है दोस्तों, वो बनाया जाता है अपने महेश्वर में, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि महेश्वर कहाँ है, खरगोन में ही है। गुरु नानक देव जी की स्मृति में प्रदेश में संग्रहालय और शोध केंद्र किस नगर में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये आंसर है इसका जबलपुर। जबलपुर में ये बनाया जाएगा और ये करंट अफेयर में था, इसलिए इसका क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा गया है, जो कि 20 करोड़ की लागत से बनेगा। फिर वर्ष 2017 का अहिल्या सम्मान किससे दिया गया? तो देखिए जो अहिल्या सम्मान था वो कृष्णा देवी को दिया गया था। इनकी जानकारी अगर हम पढ़ें तो ये है उज्जैन में मंडला कलाकार है। इस सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो आप जानते हैं कि इसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हैं। फिर देखिए इतिजमा किस शहर में लगाया जाता है? दोस्तों इतिजमा जो है जनरली भोपाल में लगाया जाता है, आप जानते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो इस समय ईश्वर की आराधना करते हैं उनकी, ठीक है। और भोपाल में भी अगर स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ, जो ईंट खेड़ी है वहाँ पर ये हर साल लगता है, और स्पेशली लगता है दोस्तों ये ठंड के समय। और इस समय आप देखेंगे तो बहुत सारे जो पुराने वस्त्र भी वस्त्रों का भी बाजार लगता है, जिसमें बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी के जो कपड़े आपको मिल जाते हैं काफ़ी सस्ते में। फिर उसके बाद ये 35वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 नवंबर 2019 को आदिवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था रीवा में, और ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखो मध्य प्रदेश का जो पहला पर्यावरण न्यायालय है वो दोस्तों कहाँ होगा? आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल, और ये वहीं पर इस्टेब्लिश किया गया है। चीनी यात्री हैंसांग मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आया था? तो देखिए जो चीनी यात्री था हैंसांग वो मध्य प्रदेश के महिष्मति में आया था, और महिष्मति आप जानते हैं कहाँ पर होगा? तो देखिए जो महिष्मति जो है वो एक्चुअली महेश्वर जो है उसका पुराना नाम है, तो ये वहाँ पर आया था हैंसांग। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो दोस्तों मांडू जो है दोस्तों उसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, और मांडू जो है दोस्तों वो धार जिले में पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सिटी ऑफ सॉरी रिवर ऑफ जॉय के नाम से नर्मदा को जाना जाता है। फिर 39 पर प्रश्न बोलता है प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने वाल अवतार लिया था? तो दोस्तों ये कहीं नहीं है, ये स्थान है अपना चित्रकूट। चित्रकूट में ऐसा माना जाता है जहाँ पर इन्होंने अवतार लिया था, और चित्रकूट जो है दोस्तों सतना जिले में आता है, पहले तो आप याद रख लीजिए सतना जिला। और फिर ये किस नदी के किनारे है ये पूछा गया है दोस्तों, तो ये है मंदाकिनी रिवर, आपकी जो मंदाकिनी नदी है उसके किनारे ये किनारे अवस्थित है चित्रकूट, और ये भी एक पवित्र नगर जो है वो घोषित किया गया है। फिर आता है सबसे लास्ट में 40वां प्रश्न, पातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है हमारा छिंदवाड़ा जिला। देखिए दोस्तों अगर आप छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है तो ये प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। तो पातालकोट में एक्चुअली भारिया जनजाति जो है वो यहाँ निवास स्थान है, और भारिया जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की जो 3 सबसे पिछड़ी जनजाति है उसमें से एक है। और दो की अगर बात करके दो कौन कौन सी है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, एक तो बैगा और एक सहरिया, ये तीनों जनजातियाँ अति पिछड़ी है, इसलिए इनसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो 40 प्रश्न हमने आज जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे, और आपको अच्छा लगता है तो इन वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।